नमस्कार, मैं प्रिया, एक बार फिर से आपका स्वागत है साप्ताहिक रोजगार समाचार में। तो आज सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है साइंटिस्ट, असिस्टेंट जियोफिजिस्ट, सीनियर डिविजनल में मेडिकल ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, लेक्चरर, वेटनरी असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीजी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जिसमें एमसीए, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम, ग्रेजुएशन, बीटेक, बीई, पीएचडी है। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा जो है वो 45 वर्ष की है। वहीं अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹25 एससी एसटी पीएच के लिए है, और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई फीस नहीं है। वहीं इसके बाद अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 27/2/2020 तक सभी आवेदक आवेदन भर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.upscionline.nic.in है, और इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स एंड एक्सपीरियंस है। एज लिमिटेशन की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस पद के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 20/2/2020 तक आवेदक आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो engineersindia.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एयरलाइन एलाइड सर्विस लिमिटेड दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फ्लाइट डिस्पैचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 58। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, बीसीएएस, बेसिक एबीएसईसी सर्टिफिकेट एंड रिक्विजिट फिजिकल स्टैंडर्ड होना अनिवार्य है। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1500 फॉर फ्लाइट डिस्पैचर, ₹1000 फॉर सुपरवाइजर। एससी एसटी को इन पदों के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। लास्ट डेट की बात करें तो 4/3/2020 तक आवेदक आवेदन भर सकते हैं। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो www.airindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जम्मू द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है रजिस्ट्रार, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सिक्योरिटी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, केयर टेकर कम मैनेजर, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। वहीं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 39 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी, पीएचडी, एमई, एमटेक, एमएससी, बीई, बीटेक और ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो 55 साल अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। इसके आगे हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर ग्रुप ए पोस्ट ₹1000 देने होंगे, सिर्फ उनके लिए जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए ₹500 देने होंगे, सिर्फ उनके लिए जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं एससी, एसटी, पीएच और फीमेल को इन पदों के लिए कोई फीस नहीं देना होगा। इन पदों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख की अगर हम बात करें तो 15/2/2020 है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट iitjammu.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 553। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 37 साल पुरुषों के लिए और 21 से 40 साल महिलाओं के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीएच ₹150 और बाकियों को ₹600 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो 21/2/2020 तक आवेदक www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है सिविल जज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 32। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन लॉ का होना अनिवार्य होगा। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी को ₹300 देने होंगे, बाकियों को ₹400 देना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 2/4/2020 तक
आवेदक www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट: डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट स्टाफ, नर्स, असिस्टेंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। इन पदों पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 29 है। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2, डिप्लोमा इन नर्सिंग, ग्रेजुएशन, PG डिग्री इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होना अनिवार्य है। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, वहीं अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD EXSM फीमेल को कोई राशि नहीं देनी होगी और बाकी सभी को 200 रुपए की राशि देनी होगी। वहीं अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 5/3/2020 तक सभी अभ्यर्थी www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है फॉरेस्टर, हेड कांस्टेबल, फायरमैन, GD कांस्टेबल, कांस्टेबल IRBN, बैंड, बगलर, फॉरेस्ट गार्ड, मिनरल गार्ड, ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 944। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th, 12th और एज पर फिजिकल स्टैंडर्ड देना अनिवार्य होगा। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो मिनिमम 18 साल होगी और मैक्सिमम 28 साल होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 150 रुपए। आखिरी तारीख की बात करें तो 28/2/2020 तक सभी आवेदक www.apssb.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे असम हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है असम जुडिशियल सर्विस Grade 3 एग्जाम 2020। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 27। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन इन लॉ का होना अनिवार्य है। एज लिमिटेशन की बात करें तो मैक्सिमम 38 साल का होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST को 250 रुपए देने होंगे, PWD को कोई फीस नहीं देना होगा और बाकियों को 500 रुपए फीस के रूप में देना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 26/2/2020 तक आवेदक GHCOnline.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, कुक, लैबोरेटरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 128 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PG, NET पास, ME, MTech, BE, BTech, MCA, MBBS, MS, MD, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, BSc नर्सिंग, 10+2 की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं एज लिमिटेशन की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 57 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD और महिलाओं को कोई फीस नहीं देना होगा और बाकियों को 600 रुपए देना अनिवार्य होगा। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 26/2/2020 तक सभी आवेदक www.cup.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट है हेल्पर, बाल सेवक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 8वीं क्लास की डिग्री और NTT पास होना अनिवार्य होगा। एज लिमिटेशन 18 से 37 वर्ष होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए कोई फीस नहीं देना होगा। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 24/2/2020 तक सभी आवेदकों को www.chandigarh.gov.in पर जाकर आवेदन भरना होगा। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।